कि शिवांग जो बारूद के ढेर पर खड़ा था अपने मित्रों अपने संबंधियों के शहादत के बदौलत आजाद हुआ। फैसला आप लोगों को करना है कि बारूद के ढेर पर सम्मान चाहिए कि अमन चैन शांति का सम्मान चाहिए। जब तक ओम प्रकाश जिंदा रहेगा अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमेशा लड़ता रहेगा, संघर्ष करते रहेगा। पांडे जी संचालन कर रहे बड़े भाई सुधीर जायसवाल जी, हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, सम्मानित मंच साथियों, आपका अपना ओम प्रकाश, आप लोगों से हम जानना चाहते हैं कि शिवांग जो बारूद के ढेर पर खड़ा था अपने मित्रों अपने संबंधियों के शहादत के बदौलत आजाद हुआ। चंद्रशेखर जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, संत आत्माराम कुशवाहा जो मुखिया थे उनकी हत्या हो गई, भंडा को भर के हरेंद्र कुशवाहा जी जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई, मीडिया के हम लोगों के भाई राजीव रंजन जी की हत्या हो गई, एक बड़ी शहादत के बाद शिवांग को आजादी मिली। फैसला आप लोगों को करना है कि बारूद के ढेर पर शिवांग चाहिए कि अमन चैन शांति का शिवांग चाहिए। राजेंद्र बाबू मौलाना मजहर वीर शहीद मां कान सिंह बनकिशोर बाबू महाभारत के आचार्य द्रोणाचार्य की धरती अपराधियों के कुकृत से कलंकित अपना अपमानित होती रही है। हम तो धन्यवाद देंगे शिवांग की महान जनता को कि विषम परिस्थिति में हम और हमारा लड़का कफन लेकर आप लोगों के बीच में निकले थे, आप लोगों ने लोकसभा लड़ने का काम किया था। साथियों आपको विश्वास दिलाते हैं जब तक ओम प्रकाश जिंदा रहेगा अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमेशा लड़ता रहेगा, संघर्ष करते रहेगा। साथियों सिवान में दो महाविनाशी शक्तियां माले और आरजेडी आपसी गठजोड़ करके फिर से सिवान को आसान करना चाहती है। फैसला आप लोगों को करनी है, एक एक मत अगर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में देते हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि अमन चैन शांति प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। इस चंद शब्दों के साथ उपस्थित सभी लोगों को नमन अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। भारत